स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Samsung Galaxy Tab S8 Ultra। हाँ, जैसा नाम है वैसा ही कुछ काम भी है और वैसे ही इसके कुछ फीचर्स भी है। जिस दिन Samsung Galaxy S22 सीरीज लॉन्च हुआ था उसके साथ में ही हमें देखने को मिला था उसका एक बड़ा भाई। अब बड़ा भाई इसलिए मैंने बोला क्योंकि कहीं ना कहीं फीचर्स और कहीं ना कहीं मैक्सिमम चीजें जो है वो सेम ही है। इसका मतलब ये है कि जो हमें प्रोसेसर उसमें देखने को मिलता है यानी कि Snapdragon 8 जनरेशन फर्स्ट इंडिया के लिए, वही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है विथ 4 nm ऑफ चिपसेट। लाइक लिटरली ये S22 सीरीज का एक बड़ा भाई है जो कि एक्चुअली में बहुत बड़ा है। कितना नहीं, गलत मतलब ना निकालना, बेसिकली मतलब 14.6 इंचेस का इसका डिस्प्ले साइज है जो एक्चुअली में स्टूडेंट्स के लिए या प्रोफेशनल्स के लिए या फिर अगर आप एक आर्टिस्ट हो या फिर अगर आप एक इलस्ट्रेटर हो तो आप सभी के बहुत ही काम आने वाला है, लाइक लिटरली। और ये जो फर्स्ट टाइम अल्ट्रा वाला अपग्रेड है ये काफी एक अमेजिंग है जो सिर्फ और सिर्फ इस टैबलेट के साइज को ही बड़ा नहीं करता है बल्कि मतलब इसके पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी बहुत ही तगड़ा करता है अगर आप इसको किसी भी यूजर्स में लेना चाहते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत ही तगड़ी चीज है सैमसंग के बारे में कि भाई 2022 में इन्होंने अपने इस लॉन्च में भी ये चीज बोली थी कि ये भी अपने एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने सेट किया है कि आपके पास अगर S22 अल्ट्रा सीरीज है या फिर S22 का कोई भी सीरीज है, आप उससे अगर फोटोज या फिर वीडियो कैप्चर करते हो तो आप उस इकोसिस्टम में इन्वॉल्व होकर डायरेक्टली इस S8 टैब से अपने वीडियोस और फोटोज को एडिट कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी कूल, लाइक लिटरली अभी तक एप्पल का ही इकोसिस्टम था और सैमसंग का भी इकोसिस्टम आ चुका है। अगर हम बात करें टैबलेट की सीरीज में, जो हमारी लास्ट डिवाइस थी वो थी सैमसंग S7 प्लस, वो अल्ट्रा सीरीज मतलब फर्स्ट टाइम आया है। तो S7 प्लस का ये एक बहुत ही तगड़ा वाला अपग्रेड है। अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो हमें मिलता है एमोलेड पैनल जो कि एक्चुअली में इस टाइप की डिवाइस में फर्स्ट टाइम देखा गया है। यहाँ पे अगर हम एक स्पेसिफिक स्टोरेज के बारे में बात करें तो हमें 8 GB रैम 128 GB रोम मिलता है एंड साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें देखने को मिलता है SD कार्ड स्लॉट टैब में। एंड नॉट दिस ओनली, जी एस पेन जिसकी लेटेंसी 2.5 मिली सेकेंड्स है जो कि एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम कर रहा है, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब एक्चुअली में दे रहा है। मेरे पास अभी डिवाइस नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, बट अगर आप रिसर्च करो, अगर आप इंटरनेट पे पढ़ो, अगर आप लोगों की वीडियोस देखो, लाइक लिटरली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही तगड़ी है। एंड अगर आप एक इलस्ट्रेटर हो, आर्टिस्ट हो या फिर डिजाइनर हो या फिर अगर आप सिंपली नोट्स भी बनाने के लिए इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पाम से जो डिस्टर्बेंस आती है वो यहाँ पे नहीं आ रही है परफॉर्मेंस में। एक्चुअली मैंने भी देखा है, मेरे पास टू बी वेरी फ्रैंक डिवाइस नहीं है लेकिन आपके लिए थोड़ी सी रिसर्च और थोड़ी सी मेहनत की गई है तो ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंटेड है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दो। अगर इस डिवाइस को हम कंपेयर कर रहे हैं एप्पल के लेटेस्ट आईपैड से तो इसकी स्क्रीन साइज बड़ी है और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चल गया होगा अगर मैं बात करूँ एस पेन की। तो अगर हम वहीं पे बात करें एप्पल पेन की तो वो हमें बाहर से लेना पड़ता है जो कि एक्चुअली में $130 के आसपास में आता है। ओवरऑल जो ये डिवाइस है ये एक बहुत ही स्लीक डिजाइन के साथ में आता है जिसका एक्चुअली में जो पूरा का पूरा स्क्रीन रिजोल्यूशन है वो काफी ज्यादा है। अगेन अगर आप नोट्स बनाने के लिए, इलस्ट्रेशन के लिए या फिर किसी भी काम के लिए इसको एक्चुअली में लेते हो तो आपको कभी भी ऐसा रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं है कि भाई स्क्रीन छोटा है, इस पे हम और भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। हमारे दिमाग में हम जो भी चीज डिमांड कर रहे थे वो कहीं ना कहीं इस डिवाइस में मिल जाता है, एक बड़ी सी स्क्रीन, एक पतला सा नॉच। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम कैमरास की बात करें तो 2 कैमरा हमें सामने देखने को मिलते हैं एंड दिस इज सुपर कूल। लाइक लिटरली इस पूरे के पूरे लॉन्च में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें जो कैमरा इसके साथ में देखी है, स्पेशली इस डिवाइस के साथ में, अगर आप कैमरे के फोकस में हो आपको ये मैन्युअली जूम कर लेता है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ऑटो फ्रेमिंग होती है। जैसे अगर हम थोड़ा सा दूर हैं और आपको लगता है कि भाई ये थोड़ा एंगल सही नहीं है, अगर यही चीज़ थोड़ा सा आगे आके और ऐसे थोड़ा सा, मतलब समझ गया ना, ये कि ऑटो फ्रेमिंग फ्रेम में सेट हो जाता है और ये बेसिकली कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज है AI से एंड सुपर कूल। एंड अगर हम पीछे वाले कैमरे की बात करें तो हमें 2 कैमरा बेसिकली दिख रहे होंगे, एक तो होगा 13 मेगापिक्सल का जो कि मेन कैमरा है और दूसरा होगा 6 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड है। बट You are not taking this device for cameras, isn't that? हाँ नहीं, तुम ये डिवाइस बिल्कुल भी फोटोग्राफी करने के लिए नहीं ले रहे हो, मतलब मेजरली कभी कभी
हुआ, चांस तो हम ले लेंगे, बट ना 4K रिकॉर्डिंग भी करता ही है तो कर भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लेना तो ले लेना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ मेन पॉइंट्स में हम बात कर लेते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को मिलता है इन डिस्प्ले, डिस्प्ले पे ही है, एंड डिस्प्ले एब्सोल्युटली सैमसंग की तरफ से ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज इसमें लगाई गई है, जहाँ पे हमें कॉन्ट्रास्ट, वाइब्रेंस काफ़ी बैलेंस्ड और काफ़ी ऑप्टिमाइज दिखते हैं। एंड इसमें हमें देखने को मिलता है 1UI 4, जो एक्चुअली में आजकल हर एक लेटेस्ट स्मार्टफोन डिवाइसेस में हमें देखने को मिल रहा है सैमसंग की तरफ से, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कूल UIs इन द मार्केट। और स्पेशली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इस टैबलेट में है, वो है सैमसंग डेक्स, जो एक्चुअली में इस टैबलेट को और भी ऑप्टिमाइजेबल बना देता है। बेसिकली इसमें आप मल्टी विंडोज पे काम कर सकते हो और उस विंडोज को आप अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसका रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, अपने हिसाब से आप उसको स्क्रीन पे सेट कर सकते हो। एंड यही एक फायदा होता है बड़े से डिस्प्ले का, कि हम यहाँ पे वीडियोज भी देख सकते हैं, उनमें से नोट्स भी बना सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है वो चीज। एंड ऑल्सो इस डिवाइस को हम अपने विंडोज पीसी के साथ में एक सेकेंडरी मॉनिटर की तरह यूज कर सकते हैं। दिस टैबलेट इज एक्चुअली ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया पैकेज है टैबलेट्स की दुनिया में, और स्पेशली अगर आईपैड से कंपैरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस लोग इसको ही देने वाले हैं, क्योंकि एस पेन फ्री में मिलता है और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। बट उसके भी कुछ फायदे हैं, इसके भी कुछ फायदे हैं, तो वो भी अगर आप चाहो तो कंपैरिजन हम बना सकते हैं। असली लास्टली बैटरी कितनी है, तो बेसिकली इसमें हमें 11,200 mAh की बैटरी दिखती है, जो कि एक्चुअली में बहुत ही ह्यूज है। एंड हाँ, इतना बड़ा हमें डिवाइस भी देखने को मिलता है तो वो काफ़ी है, और साथ में हमें 45W का एक फास्ट चार्जिंग मिलता है, और डिवाइस जो है वो कहीं ना कहीं 1.5 से 2 दिन आराम से चल जा रहा है, क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा बड़ी है। एंड इस वीडियो में इतना ही है, एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक बहुत ही नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।